दोस्तों, हमें बांग्लादेश से भी कमेंट आ रहे हैं कि वो पवनदीप को वोट देना चाहते हैं। कमेंट भी आपको आगे इस वीडियो में हम दिखाएंगे। दोस्तों, पवनदीप की फ़ैन फॉलोइंग इंडिया में ही नहीं बल्कि अब इंडिया से बाहर भी पवनदीप काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। मोदी जी और पवनदीप के वोट्स को लेकर क्या है पूरी कहानी, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटे के निशान को भी ज़रूर दबा दें। दोस्तों, एक टाइम ऐसा था जब मोदी जी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे। उन्हें हर कोई वोट देना चाहता था। इंडिया से ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर के लोग भी ये चाहते थे कि सभी मोदी जी को ही वोट करें। दोस्तों, ऐसा ही कुछ अब पवनदीप के साथ हो रहा है। पूरा देश पवनदीप की आवाज़ का कायल हो चुका है। हमारे देश के सभी लोग पवनदीप को ही वोट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पवनदीप ही इंडियन आइडल के सीज़न के विनर बने। दोस्तों, हमें बांग्लादेश से भी कमेंट आ रहे हैं कि वो पवनदीप को वोट देना चाहते हैं। स्क्रीन पर आप साफ साफ देख सकते हैं, इसीलिए ये साबित हो जाता है कि पवनदीप इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। दोस्तों, हो ना हो, इस बार इंडियन आइडल का विनर और कोई नहीं बल्कि पवनदीप ही होने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडियन आइडल का विनर कौन होगा? हमने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट लिखा है, आप वहां जाकर वोट कर सकते हैं और अपनी राय हमें दे सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर दें।